निगम की साधारण सभा में पार्षदों ने रखे कई प्रस्ताव। जेके शर्मा कल बैठेंगे निगम में धरने पर। मास्टर प्लान को लेकर दर्ज कराई आपत्ति। नगर निगम की साधारण सभा। हंगामे के बीच पूरी हुई सभा में कई प्रस्तावों को पारित किया गया। वहीं कई मामलों पर पार्षदों ने अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। भाजपा पार्षद जेके शर्मा ने 2013 में बने मास्टर प्लान, जो कि 2023 तक का है, उसको लेकर बदलाव हुए उस पर आपत्ति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, वर्तमान में स्वायत्त शासन मंत्री पर घपले का आरोप भी लगाया और ये भी कहा कि वह कल 11 बजे से लेकर 3 बजे तक धरने पर बैठेंगे और पुतला भी फूकेंगे। साथ ही पार्षद श्रवण कुमार ने 2012 में हुई सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई और कहा कि इस भर्ती से कई सफाई कर्मचारियों को वांछित रखा गया है। हाँ, आज आपने पेपर फाड़े गए, क्या वजह रही? क्या? मैंने मास्टर प्लान को फाड़ा है क्योंकि 2003 में अजमेर के विकास को लेकर मास्टर प्लान बना था, जो 2023 तक लागू था। उसके बाद नया मास्टर प्लान बनेगा और अजमेर के विकास को लेकर नई चर्चा होगी और नया मास्टर प्लान लागू होगा। मास्टर प्लान इसलिए बनाया जाता है कि जिसके अंदर जो जगह, चाहे वो कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल, उसके अंदर दर्शाए जाते हैं व्यवसायीकरण या जो भी मतलब भौगोलिक स्थिति होती है उसके हिसाब से। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया है, उसके अंतर्गत जो कांग्रेस सरकार है उसने जिस प्रकार से एक भ्रष्टाचार की परंपरा चालू करने की कोशिश की है, उसके अंतर्गत उन्होंने जितने भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, सबके अधिकार छीन के भू उपयोग परिवर्तन के लिए, चाहे वो टाउन प्लानिंग द्वारा या मास्टर प्लान के अंदर यदि वो कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो उसकी सारी फाइलें उनको जयपुर एक सक्षम कमेटी के पास रखकर और उसे वहाँ भेजनी पड़ेगी। ये पूरी चैन एक कांग्रेस सरकार की सोची समझी रणनीति है, जिसके अंतर्गत वो एक मतलब भ्रष्टाचार बड़े स्तर पे व्याप्त होगा, उसको ख़त्म करने के लिए आज मैंने इस विषय को उठाया है। और मास्टर प्लान जब मान ही नहीं रही है सरकार, तो उसको फाड़ना ही मेरा औचित्य है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और इसी संदर्भ में, क्योंकि अभी विधानसभा भी चल रही है और कल हम नगर निगम में 11 बजे से 3 बजे तक धरने पर बैठेंगे, और राज्य सरकार जो भ्रष्ट राज्य सरकार आज के टाइम में कांग्रेस सरकार है, उसके खिलाफ हम अपनी बात रखेंगे। क्योंकि अभी इनकी प्री GC हुई थी कांग्रेस की, उसमें वो बोल रहे थे BJP के भ्रष्टाचार उजागर करो, इसके अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर हम कांग्रेस वालों को नहीं बुलाते हैं। वो लोग जानकारी का अभाव रखते हैं और उनको यही नहीं मालूम कि अजमेर शहर पूरे राजस्थान के अंदर DLV द्वारा, उनके जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं उनके द्वारा कितना बड़ा घपला किया गया है, बताने लायक नहीं है। कल हम इस विषय को वहाँ पर रखेंगे, पुतला भी जलाएंगे मंत्री जी का, और हम 3 बजे तक इस धरने को रखेंगे। अब बताइए क्या मुद्दे रहे? 2012 के अंदर एक सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उस भर्ती के अंतर्गत प्रशासनिक फेरबदल होते हुए उनको नियुक्ति जारी नहीं हुई। 182 लोग कोर्ट की शरण में गए और कोर्ट की शरण में जाने के बाद 13/2/2018 को एक फैसला आया, जिसमें ये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला सुनाया गया कि इनको नियुक्ति दी जाए, नियुक्ति जारी की जाए। उसके अंतर्गत आज 2 साल तक किसी को भी नियुक्ति नहीं मिली। उसके अंतर्गत पार्टी कोर्ट ऑफ कंडम में गई। कोर्ट ऑफ कंडम में जाने के बाद प्रशासन ने 2 व्यक्तियों को ही मात्र जॉइनिंग दी है, बाकी शेष 180 लोगों को उससे वंचित रखा गया। आज सदन में इस प्रकार से चर्चा हुई और ये माना गया कि जो लोग रोडों पर सफाई करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं, धूप में, तावड़े में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में जो लोग आते हैं, उन लोगों को वंचित रखा गया और मात्र 2 लोग जो कलेक्टर के यहाँ पे काम करते थे, नगर निगम के सफाई कर्मचारी थे, कलेक्टर के एकमात्र प्रशासन पत्र के आधार पर उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई। अब मेरा ये मानना है कि वो भी हमारे भाई है, ज्वाइनिंग मिलने का उनका अधिकार था, नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन उनके साथ में जो लोग 180 लोग जो रोडों पर सफाई का काम करते हैं, जिनके पास में हर तरह का डॉक्यूमेंट है और वो आज वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, 165 लोग जो हैं जिनके पास चेक है, बैंक की पासबुक का स्टेटमेंट है, पार्षदों से लिखवाया हुआ है,
पब्लिक, जो वहाँ की पब्लिक है, जो पब्लिक जिनके घर के सामने वो सफाई करते थे, उन पब्लिक ने उनको लिख के दिया, विथ आईडी दी, विथ मोबाइल नंबर दिया, उसके बावजूद भी वो लोग आज भी धक्के खा रहे हैं। एक 28/2/2019 का एक पत्र है, उसके अंतर्गत पवन अरोड़ा जी ने ये लिखा है कि जो व्यक्ति न्यायालय में गया और न्यायालय में जिनों का फैसला आ चुका है, ऐसे अभ्यर्थियों को, पात्र व्यक्तियों को जोनिंग नगर निगम नगर पालिकाओं में दी जा सकती है, उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रशासन यहाँ पे इनको गोलमोल जवाब देता था। इसके अंतर्गत आज मेयर साहब ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद में दोबारा 19 तारीख को जब मीटिंग होगी 11 बजे तो इस पे पुनः विचार होके इस प्रस्ताव को मेयर साहब की कृपा से कलेक्टर ने लिख के दे रखा था उन दो के लिए। भाई जितने भी कलेक्टर आते हैं, कलेक्टर 3 साल के लिए आते हैं और 2 साल के लिए आते हैं, और कलेक्टर जब भी आता है तो अपने घर में जो भी नौकर होता है, जो उनकी सेवाएँ देता है, उनको एक प्रशस्ति पत्र देता है, उनका एक नियमानुसार एक अधिकारियों ने क्या है जी के जो अधिकारी वर्ग है वो हर चीज़ में नकुना ढूंढना चाहता है, वो नकुना ढूंढते ढूंढते वो किसी भी काम को बिगाड़ने में माहिर होते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नगर निगम के पार्षद, अजमेर शहर के वित्त मेयर और सीओ मैडम जागरूक है, और जागरूक होने के कारण इन लोगों को मेरी उम्मीद है कि मेयर साहब इनके लिए पॉजिटिव रहेंगे और ये प्रस्ताव पास हो जाएगा 2019। अब ये मैंने जो आपको बताया कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की वो व्यक्ति आज तक मौजूद नहीं हुआ, वो आदमी जिंदा है, मृतक है, उसका कोई अता ना पता, उस तथ्य को ये आधार मानते हुए, शिकायत को, झूठी शिकायत को इन्होंने आधार मानते हुए उस पर लकीरी खींचते खींचते बाल की खाल निकाल दी, और वो जो वास्तविकता में जो व्यक्ति काम करने वाले हैं उन लोगों को आज तक रोजगार नहीं मिला। 2018 में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी झाड़ू नहीं पकड़ी और वो अन्य समाज के लोग हैं और आज तक वो काम कर रहे हैं, वही अनुभव उन्होंने लिया, उनके लिए क्यों नहीं निकाली इन्होंने इस तरह की गली, उन्हों का कोई वेरिफिकेशन कराया नहीं कि अनुभव कहाँ से लाए कहाँ से नहीं लाए। हमारे व्यक्तियों ने तो जो अनुभव दिया उस व्यक्तियों को बाकायदा ठेकेदार ने लिखा ये मेरे द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र सही वे सत्य है। तो इसी उम्मीद के साथ में एक बार मेयर साहब इतिहास रचेंगे और मेयर साहब के साथ में सीओ साहब और सारे पार्षद जो 180 लोग वंचित है उन लोगों को ज्वाइनिंग दिलाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे और 19 तारीख को मेरा